नमस्ते सभी को। आज हिंदी में हम भगवान भैया को जरूर सुनेंगे। तो भगवान भैया लगभग 1993 से UAQ के साथ में जुड़े हुए, तब से भैया को गणेश सर का मार्गदर्शन प्राप्त है। भैया ने उनके UHV जर्नी की शुरुआत चित्रकूट में जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय में जो प्रोग्राम हुआ था वहां से शुरू की थी। भैया अभी अपने तरीके से UHV को समझने के प्रयास में है। नौगांव में जहाँ पे वो रहे थे वहाँ पे अपने परिवार के साथ चारों आयामों को ध्यान में रख के UHV आधारित लिविंग मॉडल पर कार्य जारी है और बहुत सारी पारिवारिक सभाएं भी भैया चलाते हैं। भैया अपने परिवार के साथ मतलब पत्नी अरुणा दीदी, उनके दो बेटे हैं अरुणोदय और अभ्युदय, और एक बेटी संगमित्रा भी है। इनफैक्ट एक बड़ी बात है कि परिवार के बाकी सदस्य जो है वो भी UHV से जुड़े हुए हैं और कंटिन्यूअसली प्रयास कर रहे हैं। तो भैया आपका स्वागत है। ओवर टू। जी भैया नमस्ते। सभी को मेरा नमस्ते। मैं अपना परिचय से शुरू करता हूँ। भैया ने तो परिचय दे ही दिया है। मैं भगवान सिंह परमार हूँ और मेरा जन्म एक छतरपुर जिले में एक ग्राम कैथोकर है, वहाँ हुआ। और उस समय गांव की जितनी भी परंपराएं हैं, वो बहुत सी परंपराएं जीवित हुआ करती थी। तो नेचर के साथ कैसे रहा जाए, वहाँ की जो मान्यताएं थी उनके साथ कैसे रहा जाए, तो उसी में मैं बड़ा पला। और आगे जाकर मैं एजुकेशन सिस्टम में गया। तो एजुकेशन सिस्टम में जब मैं गया तो मेरे अंदर ज्यादातर गांव और नेचर इसको लेकर ही ध्यान रहता था। और ये एजुकेशन मुझे ऐसा तो लगता था कि लेनी है, लेकिन वो उतना उस पर गंभीरता नहीं बनती थी। फिर मैं चित्रकूट यूनिवर्सिटी गया तो संयोग से मुझे गणेश सर के साथ रहने का भी और उनका बहुत ही करीबी सानिध्य मिला। और वहाँ से मेरा पूरा, जिसे कहेंगे कि टर्न हो गया, और मैं उनके ही संपर्क में रहने लगा। बाहर की परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, लेकिन हमेशा एक रेफरेंस मिलता रहा कि सर जो बोल रहे हैं वास्तव में उधर को ही जाना चाहिए। लेकिन बाहर की परिस्थितियां ऐसी थी कि शादी हुई या जो भी हुआ, तो वो सब चीजें जो है आर्थिक समस्याओं से लेके सबसे जो है उसमें भी रहे, लेकिन वो ध्यान हमेशा बना ही रहा। तो आज मैं कहता हूं कि पहले सर के साथ भी रहते हुए मैं अनुकूलता ही महसूस करता था और वास्तविकता की ओर ध्यान नहीं जाता था, लेकिन अब उन वास्तविकताओं की ओर भी ध्यान जाने लगा है जो कि अब मुझे अपनी स्थिरता या निश्चितता की ओर ले जा रही है। तो ये मेरा परिचय है। मैं अगर अभी जो सत्र चल रहे हैं उन सत्रों में जब ये स्टार्ट हुआ वहां से लेकर अभी तक के सभी सत्र मैंने ज्वाइन किए हैं और स्टेप पर भी मेरा जो है वो ध्यान गया है। तो मेरा स्टेप पर जो है वो ध्यान गया है। और जो है पहले तो यही है कि इन स्टेप से मेरे अंदर एक निश्चितता आई है। पहले जो बाहर इसमें जो बात आती है कि सुख स्वभाव है या प्रभाव है, तो ये निश्चितता हुई है कि सुख स्वभाव है। और सुख स्वभाव है इस पर लगातार जो है वो काम जारी है। दूसरा ये है कि एक जो उसमें 6 पॉइंट आते हैं कि मैं शरीर संवेदना सुविधा संबंध स्वयं या अस्तित्व सह अस्तित्व, मेरे मेरा अभी लोकेशन कहाँ है, मैं कहाँ पर टिका हुआ हूँ, तो उस पर भी बड़ी गंभीरता से ध्यान गया है। और जैसे ही ये ध्यान गया कि अभी मैं प्रभाव में हूं तो मुझे स्वभाव में रहना है, इसके लिए गंभीरता से ध्यान गया। और अभी जो शरीर संवेदना और सुविधा को लेकर जो ध्यान रहता था वो इधर से
अब संबंध की ओर ध्यान गया, स्वयं की ओर ध्यान गया और सह अस्तित्व की ओर ध्यान गया, और इसके उसको लेकर के एक संकल्प बना कि यही करने लायक काम है और मुझे दृष्टा पद तक पहुंचना है, और दृष्टा की स्थिति पर पहुंच करके मैं वहां से संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व सभी को देख पाऊं, उसके आधार पर अपने जीने की तैयारी कर पाऊं। तो ये तैयारी लगातार चल रही है। मैं अगर स्टेप की बात करूं तो जो कल्पनाशीलता है, सहज रहते हुए, सजग रहते हुए मुझे अपनी कल्पनाशीलता को देखना है और उसमें चल रही इच्छा विचार आशा को देखना है, उसमें चल क्या रहा है। तो ये जब मैं देखने जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो कल्पनाशीलता चल रही है इसमें मैं कब कब सहज हूँ और कब कब असहज हो रहा हूँ। तो पहले तो ये शुरू में जब ये स्टेप आए तो इनको मैंने एक किस्म से बोलने के आधार पर सीख लिया था, लेकिन अब उस पर ध्यान जाने लगा है, अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान जाने लगा है और उसमें उसमें चल रही इच्छा विचार आशा पर भी ध्यान जाने लगा है, और इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है इस पर भी ध्यान जाने लगा है। तो मैं देखता हूं कि जब मैं ये देख रहा होता हूं तो मैं देखता हूं कि कब कब मैं सहज हूं, कब कब मैं असहज हूं। ये स्टेप दो को मैं देख रहा हूं। तीसरा ये है कि इससे मैं सुखी दुखी हो रहा हूं, जो तो कब कब मैं सुखी हो रहा हूं, कब कब मैं दुखी हो रहा हूं, वो सुख है कि अनुकूलता है, इस पर भी ध्यान जाने लगा है। तो स्टेप तीन में मैं देख रहा हूं कि कभी मैं सुखी हो रहा हूं, कभी मैं दुखी हो रहा हूं। स्टेप चार की मैं अगर बात करूं तो मैं देखता हूं कि ये सारी जो मेरे अंदर जो सुखी दुखी होने का जो निर्णय है ये कौन ले रहा है। तो अभी तो ऐसा लगता था कि ये निर्णय कहीं ना कहीं इसका स्विच जो है वो बाहर था, या तो वो मान्यताओं से आ रहे थे या प्रभाव से आ रहे थे, लेकिन जैसे ही स्टेप चार क्लियर हुआ तो ये तय हो गया कि इसका निर्णय मैं ही ले रहा हूं, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं और 100% मैं ही जिम्मेदार हूं। तो स्टेप चार से ये जो संकल्प बनने का काम है कि काम मुझे स्वयं पर करना है और जो अभी मान्यताओं से निर्णय आ रहे हैं या प्रभाव दबाव से आ रहे हैं उसकी जगह मुझे स्वयं अपनी सह स्वीकृति को समझना है। और तो ये स्टेप चार क्लियर हुआ। अगर मैं स्टेप पांच की बात करूं तो ये जो भाव मेरे अंदर भाव विचार जो चल रहे हैं ये सहज हैं या असहज हैं, इसका आधार क्या है। जब मैं आधार को देखने गया तो इसका आधार सहज स्वीकृति है या कोई मान्यता है। तो अभी ज्यादातर ये देखा मैंने अपने में कि इस पहले तो इस पर यही लगता था कि ज्यादातर मैं अपनी सहज स्वीकृति को समझ नहीं पा रहा था, और उसमें जो जो आधार में यही दिखता था कि ज्यादातर मैं मान्यताओं से ही गवर्न हूं, लेकिन जैसे जैसे इस स्टेप पर काम हुआ तो मैं ये अब साफ देख पाता हूं कि इसका जो 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 अब मैं सहज स्वीकृति की ओर मेरा ध्यान जो है वो जाने लगा है, और मुख्य आधार समझ में आया है कि सहज स्वीकृति ही आधार है। और जैसे जैसे मुझे मैं आधार की ओर जा रहा हूँ, अपनी सहज स्वीकृति की ओर जा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे जो मान्यताएं हैं उससे जो निर्णय आ रहे थे वो अब सहज स्वीकृति से आ रहे हैं। तो ये स्टेप पांच चार पांच की बात करता हूँ। स्टेप छह को अगर मैं देखने जाऊं तो अभी मेरे अंदर जो भाव चल रहे हैं वो भाव संबंध का है या विरोध का है, व्यवस्था का है या अव्यवस्था का है, सह अस्तित्व का है या संघर्ष का है। तो इस पर भी ये मुझे क्लियर हुआ कि जब जब मैं सहज होता हूं तब तब मेरे अंदर संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव चलता है, और जब मैं असहज होता हूं तो मेरे अंदर संघर्ष, विरोध और ये सब चलते हैं। इसमें भाव में ये भी ध्यान गया कि अभी जो है मेरे अंदर जो
विरोध पड़े हुए थे। अगर मैं सभी सत्रों को किया हूं तो अब मैं देख पा रहा हूं इसको प्रैक्टिकली रूप से कि मेरे अंदर विरोध का परसेंटेज बहुत तेजी से घट रहा है। अव्यवस्था जो है वो व्यवस्था का जैसे जैसे मैं देख पा रहा हूं अपने फैलाव को, सृष्टि की व्यवस्था को देख पा रहा हूं, इसकी चारों अवस्थाओं को देख पा रहा हूं, तो अब मैं मुझे व्यवस्था जो शब्द है उसकी विराटता और उस पे अब मैं स्पष्ट हुआ हूं। तो संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व की ओर भी मेरा ध्यान गया है कि सह अस्तित्व जो है मैं इसमें बना हुआ हूं, मैं मेरा जो चैतन्य है वो स्व ऊर्जित है और मेरा शरीर है तो शरीर और मेरे बीच में दूरी है। तो ये जो सह अस्तित्व है शून्य है और शून्य में इकाइयां है, तो शून्य की ओर भी अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा पूरा ध्यान जाने लगा है, लेकिन शून्य माध्यम है और क्रिया और क्रिया शून्यता की ओर मेरा जो है वो ध्यान जाने लगा है और उधर लगातार मेरा प्रयास भी जारी है। तो ये जो है इसको मैं संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को देख पा रहा हूं और इससे अब संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व इस अपने अपने अंदर निरंतर सुख जो है, जब जब मैं संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व में होता हूं तो मैं देखता हूं कि मैं अपने में जो है सुखी बना हुआ हूं और जैसे ही मैं विरोध करता हूं या जैसे ही मैं अव्यवस्थित होता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं। तो सुख और दुख का अंतर भी समझ में आया है कि सुखी दुखी होना ये सब मेरे ही ऊपर निर्भर है, मैं ही अपने अर्थ देने से दुखी हो जाता हूं और मैं ही सही अर्थ देने से सुखी हो जाता हूं। तो संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को लेकर मैं लगातार काम कर रहा हूं और इसका संकल्प भी मेरा बना हुआ है। तो ये मैंने स्टेप पे जो अभ्यास एक के सातों स्टेप पर बात को रखने का प्रयास किया। अगर मैं स्टेप पे अभ्यास दो को देखूं तो उसमें यहां मैंने सेल्फ को देखा है, वहां अब मैं सेल्फ और शरीर के आदान प्रदान को देख रहा हूं। तो वहां मैंने दोनों के आदान प्रदान को देखा तो मैं देख रहा हूं कि दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, एक मैं शरीर हूं और एक मैं हूं और एक शरीर है और दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। तो अभी जो मैं शरीर को एक होकर देखता था कि मैं शरीर हूं, अब मैं देख पा रहा हूं कि मैं चैतन्य हूं और शरीर मुझसे दूर है और वास्तविकता है। तो दोनों वास्तविकताओं को अलग अलग करके देख पा रहा हूं। मैं ये भी देख पा रहा हूं कि इसमें जो आदान प्रदान हो रहा है वो सिर्फ सूचनाओं का हो रहा है, सूचनाओं के माध्यम से कोई भी सूचना आती है जिसे मैं पढ़ता हूं और पढ़कर निर्णय लेने का काम भी जो है वो सेल्फ में हो रहा है, शरीर में नहीं हो रहा है। तो मैं ये भी देख पा रहा हूं कि जो मेरी जो है निश्चित संवेदनाओं से या शरीर से दूरी बनी हुई है उस दूरी को भी देख पा रहा हूं। मैं ये भी देख पा रहा हूं कि किस निर्णय को मुझे पढ़ना है और किस निर्णय को मुझे नहीं पढ़ना है, इसको भी अब मैं बहुत साफ साफ देख पा रहा हूं। बहुत सी सूचनाएं आ रही हैं लेकिन सूचना किस सूचना को मुझे रीड करना है उधर मेरा तुरंत ध्यान चला जाएगा और जिसको मुझे रीड नहीं करना है तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा। इसका बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि मैं एक दिन मोबाइल से बात कर रहा था और अपने यहाँ आंवले के पेड़ के नीचे घूम रहा था और उस पर बहुत सी ततैया लगी हुई थी जो करीब 15 से 20 एक साथ मुझे काट ली मेरे सर पर। और जैसे ही उन्होंने काटा तो मैं कुछ सोच पाऊं इससे पहले एकदम से मेरा ध्यान वहां चला गया और मैंने रीड किया कि ये क्या हुआ और रीड करके तुरंत निर्णय आया कि मुझे इससे कोई बहुत दुखी होने वाला कि ऐसा क्यों हो गया, इसका अर्थ नहीं देना है। और तुरंत मेरा जो दर्द है वो घटता चला गया। तो अभी जो दुखी और दर्द, दुख और दर्द दोनों का अंतर भी मैं बड़ा साफ देख पाता हूं
होता है और धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन जब मैं उसे अर्थ दे देता हूं तो वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है और वो बार बार याद आता रहता है। मुझे किसी ने गाली दी, ये एक सूचना है, और उसे मैंने अगर अर्थ दे दिया तो फिर मैं उसको बार बार रिपीट करता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया था, उसको चलाने लगता हूं मैं, तो मैं दुख और दर्द का अंतर भी समझ पाया। तो यहां मैंने ये उदाहरण दिया। अब मैं अगर ये देखूं कि मेरे और शरीर के बीच में एक निश्चित दूरी बनी हुई है, ये दूरी भी मैं देख पा रहा हूं, तो कभी इसका भी मैं ये कहना चाहूंगा कि एक दिन मुझे ऐसा स्वप्न आया कि मुझे जो है सांप ने काट लिया और मैं जो है शरीर मेरा पड़ा हुआ है और मैं एक किस्म से चैतन्य कह रहा है कि भाई अब तो बचना नहीं है और चला जाए यहाँ से। तो इसी बीच में मेरा कुछ हाथ हिलता है और मुझे लगता है कि अरे ये तो मैं स्वप्न देख रहा था, और फिर धीरे धीरे बॉडी जो है वो एक्टिवेट होती है, वो फिर से क्रियाशील होती है। तो उस समय मैं ये देख पाया कि मेरे और शरीर के बीच में दूरी है और उस दूरी को मैं साफ साफ देख पाया। तो आगे की स्टेप की बात करूं, जो स्टेप 5 है वो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है कि बाहर से कोई सूचना आती है और उस सूचना को किस प्रकार से सेल्फ या जो है मैं रीड करता हूं और रीड करके उसको अर्थ देता हूं। तो मैं जिस प्रकार का अर्थ देता हूं वही वैसा ही मेरे अंदर या तो प्रतिक्रिया आती है और या सहजता आती है, या सही समझ के आधार पर अगर मैं निर्णय देता हूं, अर्थ देता हूं, तो वो जो है सही दे पाता हूं, और अगर मैं प्रतिक्रिया से देता हूं तो मेरे अंदर विरोध आता है। तो इस स्टेप को भी मैं काफी क्लियर अब देख पा रहा हूं कि, और इसे मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी अब जैसे ही ये समझ में आया है, तो चाहे जितना भी विरोधी वातावरण हो उसमें मैं अपनी स्थिति में ज्यादातर बना रहता हूं, मेरा भाव विचार नहीं बिगड़ता। पहले मेरा भाव विचार बिगड़ जाता था, अब किसी भी बाहर से कोई भी प्रतिक्रिया आती है तो उससे मेरे अंदर उसके लिए कोई योजना बनती है, कोई काकम बनता है, उसके संस्कारों को मैं पढ़ पाता हूं। तो वो जो विरोध का जो वो था, वो विरोध की जगह अब रिस्पॉन्स आने लगा है। मैं उसके लिए कोई, तो जो प्रतिक्रिया वाली बात आती है कि बाहर से सूचना को रीड किया और अर्थ देने का काम जो है वो मेरा ही है, तो मैं अब ठीक ठीक अर्थ देने का कुछ काम अपने में कर पा रहा हूँ, जिससे मैं समाज में इंटरेक्ट होता हूँ, तो अब मेरा अपना भाव विचार नहीं बिगड़ता है। ये स्टेप का महत्वपूर्ण काम मेरे में हुआ है। स्टेप 6 की बात करूं, तो अगर कोई भी निर्णय मैं जिम्मेदारी से लेता हूं तो मेरा भाव विचार बना रहता है, और अगर मैं प्रतिक्रिया से लेता हूं तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें भी काम हुआ है कि मैं अगर सही समझ से निर्णय लेता हूं तो मैं अपनी स्थिति में बना रहता हूं, तो और उसी से मैं स्वतंत्र होता हूं। तो यहाँ एक स्वतंत्रता का भी मतलब समझ में आया कि अगर मैं सही समझ के आधार पर निर्णय लूंगा तो मैं स्वतंत्र रहूंगा, और अगर मैं प्रतिक्रिया से निर्णय लूंगा तो मैं परतंत्र होऊंगा। तो ये यहाँ ये स्टेप क्लियर हुआ। आगे अगर मैं स्टेप 7 की बात करूं, तो मेरा शरीर शून्य में बना हुआ है, मैं भी शून्य में बना हुआ हूं, और हमारे बीच में सूचनाओं के माध्यम से आदान प्रदान हो रहा है, और शरीर जो है वो मेरे लिए एक उपयोगी साधन है। तो ये सब स्टेप को मैं यहां तक देख पाया हूं। अब मैं अगर और बात करूं कि ये जो जो भी बात मुझे समझ में आ रही है, इसे मैं परिवार में कैसे ले जा रहा हूं, तो जब मैं इसे परिवार में ले गया तो पहले तो ज्यादातर असहमति ही रही, लेकिन
आज मैं कह सकता हूं कि हमारे और पत्नी के बीच में जो संवाद है वो इस बात को लेके तो कोई मतभेद ही नहीं रहा, और हम दोनों घंटों इस पर इंटरेक्ट होते हैं, और दोनों के लक्ष्य में समानता आई है, और दोनों मिलकर 10-5 लोगों तक प्रतिदिन इस मैसेज को भेजने का काम करते हैं, और इस बात को प्रस्ताव सहित अपने रिश्तेदारों में, अपने संबंधियों में, अपने वंश में, सभी जगह ले जा रहे हैं। तो इस ले जाने का प्रतिफल ये हुआ कि जो जो भी हम लोगों के परिवारों में आपसी मतभेद थे, विरोध थे, लड़ाइयाँ थी, वो सब शांत होने का एक परिणाम जो है वो सब दिख रहा है, और लोगों की भी, हमारे बड़ों की भी हमारे प्रति जो स्वीकृति बनी है, हमारी पत्नी के प्रति स्वीकृति बनी है, वो हम सबको बहुत ही खुशहाली, या जिसे कहेंगे कि एक खुशहाली के अंश जो है वो दिखने लगे हैं, उससे हम लोग बहुत ही खुश रहने लगे। दूसरा ये है कि हमारा जो बड़ा बेटा है तो अभी उसके अंदर भी कुछ, क्योंकि हम लोग भी बहुत से आंदोलनों या बहुत से समाज के काम में इन्वॉल्व रहे, तो उसके अंदर भी वो जो चीजें आई थी वो धीरे धीरे शिफ्ट हुई, और अच्छी बात ये है कि अभी जो कानपुर में शिविर लगने वाला है वो उस शिविर में शामिल हो रहा है, और उसके अंदर भी इस बात का जो है असर आया है, और इसमें सबसे बड़ी बात हमारी पत्नी अरुणा की है भूमिका, जो उनने अपने बेटे को इस प्रस्ताव को भेज पाया, क्योंकि ये प्रस्ताव मेरे को भेजना थोड़ा कठिन था, और क्योंकि पिता और पुत्र की भी एक निश्चित दूरी थी, और माँ से ही ज्यादातर मैंने देखा, अपने घर में भी देखा कि पत्नी जो पति के बारे में जो बोलती रहती है वो बच्चों में चला जाता है, और बच्चे ज्यादातर पिता के विरोधी हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे पिता ने हमारी माँ का ख्याल नहीं रखा, ऐसा मेरे बेटे में भी था, लेकिन जैसे ही माँ ने पिता के बारे में अच्छा बोलना शुरू किया कि सभी बच्चों में हमारे प्रति एक अच्छी भावनाएं बनना शुरू हुई हैं, और हम लोग सब एक दूसरे में बच्चों के साथ भी संवाद प्रक्रिया में आए हैं, और इसको मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ, और इसका जो कृतज्ञता अगर मैं व्यक्त करने जाऊं तो गणेश सर हमारे लिए हमेशा हमारे मार्गदर्शक आज भी रहते ही हैं, तो वो चीज भी हम लोगों को दिखी है। अब हम लोग वंश की ओर भी बढ़ रहे हैं, तो जो अपनी वंश परंपरा थी जिसमें लगभग 50 से 60 लोग हुआ करते थे, तो परिवार से हम लोग वंश की ओर भी गए हैं, और हम देख रहे हैं कि कई परिवार जो है वो अब इस बात को समझने में, इसको सीखने में, और इसके आधार पर संवाद करने में, इसके आधार पर बदलाव करने में, इन सब कामों में लग गए हैं। तो ये भी रिजल्ट हमारे सामने है। नौगांव के सेंटर की बात करें तो यहाँ पर जो स्वावलंबन है वो प्रकृति आधारित सज रहा है, अभी पूरा तो मैं नहीं कह सकता कि हो गया, लेकिन प्रकृति की चारों अवस्थाओं को लेकर जो जो भी हमें समझ बनी है उसको लेकर हम स्वयं, परिवार, समाज और प्रकृति, इन चारों आयामों में कुछ काम कर रहे हैं, तो जो काम हमारा स्वयं पर हो रहा है वो तो स्वयं पर चल ही रहा है, परिवार के साथ चल ही रहा है, साथ में हम समाज की ओर भी गए हैं, तो समाज की ओर गए हैं तो जो भी हमने यहाँ काम किया है वो समाज में धीरे धीरे फैल रहा है, और यहाँ करीब 15 से 20 गांव के करीब 300 किसानों तक इस मैसेज को बड़ी जिम्मेदारी से भेजा गया है, और उसके साथ ही यहाँ जो चाहे यहाँ बच्चे हों तो उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी आनंद विभाग के साथ हम लोग साथ मिलकर के 2 गांव में भी खुशहाल गांव या आनंद ग्राम कैसे बनाए जाएं इसको लेकर भी हमारा प्रयास जारी है, तो उसमें भी अभी हमने एक आनंद सभा की थी, और उसमें गांव से करीब 50 महिलाएं, 50 से 60 महिलाएं आई थी, और उनसे उस वो गांव में ड्रिंक या नशे की प्रवृत्तियां ज्यादा है, लेकिन महिलाओं ने एक सीख ली कि अब हम पति का भाव विचार बिगाड़े बगैर हम उनके साथ संवाद प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, तो ये उस जो आनंद सभा हुई उसका ये रिजल्ट था। तो इस प्रकार से जहां भी अब हम इंटरेक्ट हो रहे हैं, जेल में हमने शिविर लगाया था उसके आगे भी अब हम गए हैं कि जो जेल से निकले कैदी हैं वो कैदी हमारे
संरक्षण में आए हैं। एक कैदी हैं नामदेव जी, जो इस समय हमारे यहाँ रहते हैं, और वो 302 के कैदी रहे हैं। तो जब हमने शिविर लिया था, उसके बाद अब उनमें क्या परिवर्तन आया और वो क्या यूएचबी का प्रबोधन कर सकते हैं, तो उनकी तैयारी चल रही है। अभी उनकी पत्नी को भी बुलाया था, बच्चों को बुलाया था। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ प्रयास चल रहे हैं, प्रकृति को लेकर भी कुछ प्रयास चल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अपना इंडियन ट्रेडिशनल जो सिस्टम है हमारा, उसको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, और किस प्रकार से हमारे यहाँ वृक्ष खेती किस प्रकार से होती थी, हमारे यहाँ खाने पीने की जड़ी बूटियों से लेके हमारा पोषण कैसा था, हमारा प्रकृति की व्यवस्था में हम निमित्त बनकर किस प्रकार से प्रकृति को सजा सकते हैं, उसमें हम सहयोगी हो सकते हैं। तो इनके यहाँ पर 10 बीघे के परिसर में हमने इस सारे एक्सपेरिमेंट को किया हुआ है, जो विजिबल है, जिसे देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने सभी आयामों पे कुछ ना कुछ काम किया है, और अपनी यात्रा को भी हम लगातार करते ही रहते हैं। तो हम लगातार सर के कानपुर में भी हम 3 दिन देने लगे हैं, तो वहाँ हमारा लगातार जो इंट्रैक्शन है वो चल रहा है। कहीं ना कहीं हम 2-3 दिन के लिए सार सत्र को भी हर बार ज्वाइन करते हैं। तो इस प्रकार से एक जो माहौल है, उस माहौल को मैं बहुत अच्छी तरह से अब एंजॉय कर रहा हूँ, और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं जहाँ भटक रहा था या जहाँ क्षणिकता थी, उसकी जगह अब स्थिरता लेने लगी है, और मैं स्थिति की ओर बढ़ रहा हूँ, और धीरे धीरे मुझे दृष्टा भाव तक पहुँचना है, और वहाँ पहुँचकर मैं अपने को फिर फैलाव की ओर भी जाना है, जिससे कि मैं जो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था है उसके लिए मैं निमित्त बन सकूं, सभी टीम का सहयोगी बन सकूं। एक और मेरे में परिवर्तन आया है जो 1.5 साल के अंदर आया है। मैं भागीदारी को नहीं समझ पा रहा था या सेवा को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन सर के यहाँ संवाद होने के बाद से मैं लगातार अब सेवा को समझ रहा हूँ, और अब मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरे अंदर बांटने की प्रवृत्तियां कितनी आ रही हैं। ये भी देख रहा हूं कि मेरे यहाँ जो आ रहा है उसके अंदर बांटने की प्रवृत्तियों को कैसे प्रेरित किया जाए, क्योंकि अभी जब सारी इस व्यवस्था में भागीदारी है, जब सारी व्यवस्था एक दूसरे के संबंध में है, तो मैं मनुष्य होकर भागीदारी क्यों नहीं कर रहा हूं? ये भागीदारी मुझे स्पष्ट नहीं थी, इसलिए मैं उसे नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे स्पष्ट हुई है, मेरे यहाँ भागीदारी का परसेंटेज बहुत बढ़ रहा है, और इस बात को जब मैंने अपनी संस्था में रखना शुरू किया, तो अब लोग आते हैं, कब कौन बर्तन मांजने लगा, कब कौन खाना खाने लगा, किसान आते हैं तो वहां से कुछ सब्जियां लाद के लाते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं तो कुछ बीज लेके जाते हैं, हम कानपुर जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके आते हैं। तो हम में बांटने की प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, और अब पूरी तरह से एक निष्ठा बन गई है कि बस यही करना है। तो आपका ये रहता है कि आप कितना समय देंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि अब मैं 24 घंटे, जब तक सोते में जागते में, मैं मेरा परिवार इस काम में कहीं ना कहीं लग गया है, और चूंकि उसके रिजल्ट भी अब कुछ मेरे सामने हैं, तो अब कोई मुझसे इस काम से अलग भी करना चाहे तो मैं कैसे हो सकता हूं, क्योंकि अब तो मैं उसी की ओर बढ़ रहा हूं। तो इतनी मैंने अपनी यहाँ शेयरिंग रखी। जी धन्यवाद भैया। कुमार भैया से पहले भैया के शेयरिंग के बारे में बात सुनना चाहेंगे। भैया ओवर टू यू। जी नमस्ते सभी को, और जिस तरह से मनबंधन के साथ परिवार सहित समाज को, कुनबे को जोड़कर भैया समझने और जीने का प्रयास कर रहे हैं, एक उत्कृष्ट उदाहरण है पूरी टीम के लिए। भैया का जुड़ाव भी बहुत लंबा और गहरा है। तो गणेश जी ने जब इस पूरे कार्यक्रम में शुरुआत की थी, तब से भैया की गति और बढ़ी है। स्टाफ है, उसको भी ठीक से विश्लेषित करा, नियमित रूप से महीने में 3 दिन जाना शुरू हुआ है, सार सत्रों में भी जा रहे हैं, और तो एक जुड़कर कार्यक्रम अब चलने लगा है। बीच में थोड़ा सा आइसोलेशन में चलता रहा। तो मैं ये कह रहा था कि एक बात तो ये है कि भैया की निष्ठा बहुत लंबे समय से बनी हुई है, समझने में भी और गणेश जी के प्रति भी।
एक संबंध में भी निष्ठा बनी हुई है, उसके कारण भैया गति बनी ही रही है। परिवार में जो बीच में थोड़ी कठिनाइयां आई, भैया जिस तरह से उन्होंने बताया कि अपने ऊपर ध्यान देते हुए संवाद करते हुए उससे निकले हैं, और पत्नी के साथ बच्चे के साथ संबंध में अब जो उभय सुख सुनिश्चित कर पा रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ये भी मैं कह रहा था कि जो ऑनलाइन सेशंस में भैया का जुड़ाव हुआ, उसके बाद से भैया गति बढ़ी है। अभ्यास एक और दो को करते हुए अपने भाव के प्रति सजगता, प्रस्ताव को ठीक से जांचना, ये हुआ है। और इसमें मुझे और भी संभावना दिखती है। कई बार ऐसा लगता है कि भैया का ध्यान कार्यक्रम पे ज्यादा रहा, जैसा आप हिंट भी कर रहे थे, तो समाज को बदलने का, समाज में सुधार लाने का ध्यान ज्यादा रहा और बाहर की ओर दृष्टि ज्यादा रही। अब स्वयं की ओर दृष्टि ज्यादा ठीक से बन पा रही है, बट उसमें और अभी गहराई चाहिए, उसमें और अभी काम करना जरूरी है, और कर भी रहे हैं, और कुलता बनती जा रही है परिवार में, परिवार सहित कुनबे के साथ जुड़कर भी काम कर पा रहे हैं। तो शिक्षा के बाद जो अगली बात निकल कर आती है, व्यवस्था है। अभी हम लोग टेक्निकल एजुकेशन में बात को ले गए, फिर उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन बात जा रही है, उसके बाद आदमी का जीना तो अल्टीमेटली परिवार में होगा, तो व्यवस्था के भी मॉडल्स तैयार होने जरूरी हैं कि परिवार सहित कुनबे सहित जुड़कर हम कैसे स्वावलंबी हो सकते हैं, कैसे हम किसी रिमोट एरिया में भी रहते हुए कैसे हम इस पूरी बात को जीकर फलित कर सकते हैं, कैसे हम प्रकृति के साथ जुड़कर उत्पादन करते हुए समृद्ध हो सकते हैं। अब ये सारे प्रश्न धीरे धीरे और तैयार होंगे, है ना, तो ऐसे मॉडल्स तैयार होने जरूरी है, और उसमें भैया का जो किया गया काम है एक उत्कृष्ट मॉडल है। तो मुझे जो आवश्यकता लगती है कि वस्तु को समझने के प्रति और गंभीरता बढ़े, बारीकी से और ध्यान देना शुरू हो, और ध्यान दिए, है ना, और उसमें गहराई आए। तो अभी तक भैया का जो पूरा किया हुआ काम है उसको और गहराई और विस्तार मिलेगा, और पूरे समाज के लिए एक उत्कृष्ट मॉडल के रूप में तैयार होंगे। तो ये बात मुझे अपनी तरफ से कहनी थी। भैया मेरी तरफ से शुभकामना।